हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलर्निंग विद दुर्गेश में। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने पृथ्वी और ग्रह, अंतरिक्ष, उपग्रह, तारा, इन सभी के बारे में पढ़ लिया था। लेकिन अब जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, उसका टॉपिक का नाम है ग्लोब। और ग्लोब एक ऐसा अध्याय जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। एक बात और आपको जानना होगा, ग्लोब और पृथ्वी की गतियाँ, ये दो अध्याय है, लेकिन हम लोग मिलाकर इसे एक ही अध्याय के रूप में अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। चलिए आपको फटाफट इस वीडियो में जुड़े रहिएगा और अंत तक देखते रहिएगा। देखिए ग्लोब क्या होता है, जैसे मैं बता दूँ, ग्लोब आपने देखा भी होगा, सभी लोग जितने लोग यहाँ पे लाइव हैं। ग्लोब होता है पृथ्वी का एक प्रतिरूप मॉडल होता है। क्या होता है? पृथ्वी का एक प्रतिरूप मॉडल होता है। पृथ्वी गोलाकार स्वरूप है, जो ग्लोब पृथ्वी का एक गोलाकार स्वरूप है। पृथ्वी पर स्थित अनेकानेक तथ्य, सूचनाएं और दृष्टि से वास्तविकता के साथ हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है। मैंने एक लाइन में बता दिया कि ग्लोब जो है पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप, माने पृथ्वी पर जो अनेकानेक सूचनाएं हैं वो हम एक दृष्टि में हम कहाँ देख सकते हैं, हम सामने अपने ग्लोब पर देख सकते हैं। ग्लोब विभिन्न प्रकार आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। विभिन्न जो होते हैं ग्लोब, छोटे हो सकते हैं, बड़े ग्लोब हो सकते हैं, ठीक है, लाइट वाले ग्लोब हो सकते हैं, बिना लाइट वाले ग्लोब हो सकते हैं, कई प्रकार के ग्लोब हो सकते हैं। गुब्बारे की तरह जैसे भी चाहें वैसे कई प्रकार गुब्बारे की तरह अन्य तरह के मिल जाएंगे। ग्लोब स्थिर नहीं होता, जो ग्लोब होता है वह स्थिर नहीं होता, माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे परिवहन करना काफ़ी आसान होता है। माने ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करना, ले जाना काफ़ी आसान होता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों के अनेक सही आकार में दिखा जाते, जो ग्लोब होते हैं उनमें महाद्वीप महासागर को हम एक आसानी से देख सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, कहाँ है, कैसे है, क्यों है, इन सभी तथ्यों को हम आसानी से जान पाते हैं। ग्लोब में अनेक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो ग्लोब होता है उनमें अनेक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं भी होती हैं, जिनका भी आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। जो हम पृथ्वी की गतियाँ में जैसे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएँ जिनके नामकरण होते हैं, इन सभी को भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके इनके बारे में भी जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप लोगों ने ये टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ से तथ्य की स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। वैसे अगर आपने पेड क्लास ज्वाइन किया होगा तो आपको वहाँ पर इसकी नोट्स भी ऑलरेडी उपलब्ध हो चुकी होगी। तो चलिए अब बिना हम लोग समय गंवाएं आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो आज कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना, एक लाइन में मैंने बता दिया कि ग्लोब पृथ्वी का स्वरूप वास्तविक स्वरूप मॉडल होता है, ये भी गोलाकार होता है, छोटा बड़ा हो सकता है, इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन किया जा सकता है। इन सभी तथ्यों को जो प्रमुख थे मैंने आपको करके आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, तब तक के लिए आप लोग जानते रहिएगा, टेलीग्राम पे आप जुड़े रहिएगा दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ग्लोब के मध्य में उत्तर दक्षिण के संदर्भ में एक काल्पनिक रेखा है, जो विषुवत रेखा या जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए जैसे अगर ग्लोब के सापेक्ष में अगर हम देखें, ये पूरा हमारा ग्लोब हो गया, इसके बीचों बीच देखें आप एक रेखा दिखाई दे रही है, यही रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। क्या? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जिसका जो कोण होता है वो जीरो अंश का होता है। कितने अंश का होता है? जीरो अंश का कोण होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, माने जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है, इसे कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, जिसे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, माने नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथन हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। कैसे होते हैं? ये जब बीच में हम जीरो डिग्री खींच देते हैं, ठीक है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, उसके खींच देने के बाद हम और आप यहाँ पाते हैं, ये जान पाते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ये दो भागों में विभाजित कर देता है, जिसे हम प्रायः क्या कहते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ऊपर देख रहे छोटा छोटा यहाँ पे ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, क्लियर। यहाँ से कोई डाउट हो, अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं बिना संकोच के। देखिए यहाँ पे ऊपर ध्रुव है, नीचे ध्रुव है, लेकिन ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा साउथन हेमिस्फीयर। और बीच का जो है उसे विषुवत रेखा कहिए, भूमध्य रेखा कहिए, विषुवत वृत्त कहिए, जिसका जो कोणीय दूरी होता है वो क्या होता है, जीरो डिग्री का होता है। लेकिन फिर हम आगे देखेंगे, इसी ग्लोब के मध्य में पूर्व पश्चिम के संदर्भ में एक काल्पनिक रेखा को मध्यान रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते, भी आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, माने दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है, दोनों ध्रुवों को माने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम ग्रीनविच या प्रधान मध्यान रेखा कहते हैं, जो लंदन से खींची गई है। इसके बारे में आगे हम लोग विधिवत अध्ययन करेंगे, माने हर एक टॉपिक को, हर एक तथ्य को पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे। लेकिन यह क्या करती है, पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, माने यहाँ पे देखिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, माने पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आया कि पृथ्वी की जो ग्लोब है
अगर हम उसे 20 से काटते हैं तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और अगर इस तरह से काटते हैं तो क्या मिलता है हमें, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ पे अगर आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसे, ये आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ठीक। नीचे जो है यहाँ पे क्या होगा, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ को आपको समझ में आ चुका होगा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, क्योंकि अभी आगे जब हम लोग पूरी विश्व भूगोल को आगे पढ़ेंगे एनसीईआरटी के आधार पर, तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हमें मिलेंगे, ऐसे चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे हम ये समझना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ उत्तर कब कह रहा हूँ, कहाँ मैं दक्षिण कह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो शायद आपको आसानी होगी थोड़ा समझने में, ठीक है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा ताकि हम लोग और आगे बढ़ सके और आगे के तथ्यों को आसानी से पढ़ा जा सके, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को जो पढ़ना है उसका नाम है मानचित्र। आपके टॉपिक का नाम क्या है, मानचित्र, जिसे मैप कहते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय में से एक है। इससे पहले हम लोगों ने ग्लोब पढ़ा, अब हम लोग मैप पढ़ेंगे। तो ग्लोब और मैप के बारे में जानना काफ़ी हमारे और आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। मानचित्र भूगोल की भाषा या एक प्रकार की शीघ्र लिपि है, माने जो मानचित्र है भूगोल की भाषा या एक प्रकार की भौगोलिक लिपि भी कह सकते हैं, जो पृथ्वी या उसके किसी भाग को निश्चित पैमाने पर नियमानुसार समतल कागज पर प्रदर्शित करता है। और मानचित्र की क्या है, मानचित्र मैप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से परिवहन किया जा सकता है, आसानी से ले जाया जा सकता है। अब यहाँ पे दो चीज़ आपको, हमें और आपको जाननी है कि ग्लोब, जो ग्लोब होता है और मानचित्र में क्या अंतर है। तो जो लोग लाइव हैं वो फटाफट बताएं कि ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है। मैं वैसे आपको आगे बढ़ाऊंगा, जब अक्षांश रेखा देशांतर रेखा पढ़ा लूँगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ग्लोब और मानचित्र में क्या डिफरेंस है। लेकिन आप लोग को जरूर बताना है कि ग्लोब और मानचित्र में क्या विशेष प्रकार का अंतर है, क्या मेजर डिफरेंट है। वो सभी को कमेंट करके जवाब जरूर देना है, चाहे आप पेड क्लास के हों चाहे पेड क्लास नहीं लिए हों, सभी को ये टॉपिक बताना है क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा में भी आएगा और आपके समझ को भी बनाएगा। जैसे मैंने बता दिया कि मानचित्र को परिवहन करना आसान है किसकी अपेक्षा, ग्लोब की अपेक्षा। ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, जबकि मानचित्र को ले जाया जा सकता है। लेकिन ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है जबकि मानचित्र उसका वास्तविक प्रतिरूप नहीं होता। ऐसे बहुत सारे अंतर हैं, कम से कम आपको 5 अंतर दोनों में बताने हैं। और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और ये देखेंगे कि क्या मानचित्र को जूम करके पढ़ा जा सकता है लेकिन ग्लोब को जूम करके नहीं पढ़ा जा सकता। इसी प्रकार से 5 अंतर आपको बताने हैं। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अगर एक अध्यापक के रूप में पढ़ाना चाहेंगे तो ग्लोब से पढ़ाना उचित समझेंगे या मानचित्र से, आप किसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे? क्या दोनों का प्रयोग एक ही जगह किया जा सकता है या दोनों के भी अपने अपने प्रयोग हैं, क्या दोनों के अपने अपने काम हैं? ये जब आप उसके मेजर अंतर बताएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक जो आ गया है वह है अक्षांश रेखा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को दिखा रहा होगा। देखिए हमारे पृथ्वी के जो पृथ्वी है इस पर कुछ मानक रेखाएं खींची गई हैं। उन मानक रेखाओं के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी है और मैं आपको बताना भी चाहूँगा। पहले मैं एक बार हल्का सा आपको समझा दे रहा हूँ समरी, उसके बाद मैं आपको अच्छे से डिफाइन करके बताऊँगा। कह रहा है कि ग्लोब या मानचित्र पर दर्शाई जाने वाली क्षैतिज रेखाएँ को अक्षांश रेखा कहा जाता है। फिर कह रहा है कि विषुवत वृत्त के उत्तर दक्षिण, माने विषुवत वृत्त माने जो पृथ्वी हो गई हमारी, ये जो बीच बीच खींची गई है 0 डिग्री, इसे विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसके दोनों तरफ माने सभी तरफ समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसके चारों तरफ जो रेखाएं खींची गई, जो रेखाओं के जाल हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाएँ 180 वृत्त हैं। कितने हैं, कुल 180 हैं न। यहाँ पे पूरे कुल ग्लोब पर अगर पूछेगा तो 360, इसे थोड़ा सा काट के आप लोग 360 कर लीजिएगा, कुल 360 वृत्त हैं। कितने हैं, 360 वृत्त हैं। कैसे, जिसमें से विषुवत वृत्त 0 डिग्री से उत्तर में 180 वृत्त है, सही लिखा है, उत्तरी गोलार्ध में 0 से उत्तरी में 90 तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में 90 है। प्रत्येक अक्षांश वृत्त के बीच आपस में लगभग 111 किलोमीटर की दूरी है। वैसे मैं इसके बारे में डिटेल में भी आपको आगे पढ़ा दूंगा तो वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। अक्षांश रेखाएं वृत्त काल्पनिक रेखाएं हैं, इनकी कल्पना पृथ्वी पर तापमान जलवायु के निर्धारण के लिए किया गया है। आइए मैं इसका खूब बढ़िया से एग्जाम्पल देकर
डायग्राम बनाकर मैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, ठीक है। लेकिन तब तक आप लोग पहले एक बार यहाँ इसको देख लीजिएगा, फिर मैं आपके सारे तथ्यों को, सभी चीज़ों को मैं एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। तो वो चलिए आइए मैं कुछ एग्जांपल देके मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहूँगा, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट है थोड़े सा और क्लियर हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे तीन ग्लोब के एक प्रतिरूप ले लिया है, जैसे यहाँ पे देखिए 0 डिग्री हो गया, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। तो अगर हम अक्षांश रेखा की बात करें दोनों गोलार्धों में, जैसे यहाँ पे 1 डिग्री यहाँ पे ऐसे खींचते गए, देख रहे हैं ये अक्षांश रेखा खींची जा चुकी है, ये इस तरह से क्या है, ये अक्षांश रेखा खींची गई है। जितने डिग्री पे जो मिलती गई रेखाएं उतने डिग्री पे क्या क्या मिलाते हुए खींची गई, तो 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में। कुल अगर पूरे ग्लोब पर अगर हम देखें कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो आप पाएंगे कि पूरे ग्लोब पर कुल 180 अक्षांश रेखाएँ हैं। कितनी हैं? अक्षांश रेखाएँ हैं। लेकिन अब इसकी कुछ मेजर पॉइंट है, आइए मैं आपको बताता चल रहा हूँ। देखिए प्रत्येक अक्षांश रेखा, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। जैसे यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे मैंने मान लीजिए ग्लोब बना लिया, यहाँ पे 0 डिग्री हो गई। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खींचा, यहाँ पे खींचा, तो माने दोनों, माने सभी जितने ग्लोब पर दोनों गोलार्धों में देशांतर रेखा के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। माने प्रत्येक देशांतर रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, इनके बीच की दूरी आपस में बराबर, जैसा लगभग 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। बाकी हम जब हम लोग पेट क्लास में, जैसे आप लोग को बताया गया है नोट्स में भी, जब आगे हम लोग सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे और चीज़ें अच्छे से, जब इसको डीप में ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे। उसके लिए अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं, और एक विषय की एकल विषय भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ संपूर्ण विषय को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके घर बैठे स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आपको दुर्गेश सर सर्च करना है और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ना है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ई लर्निंग विद दुर्गेश, बिना स्पेस के लर्निंग विद दुर्गेश, दुर्गेश सर सर्च करके। अब हमने यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको वापस टॉपिक पे लाता हूँ। यहाँ पे हमने देखा कि दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी सदैव आपस में बराबर होती है, एक बात। दूसरी बात हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि उन्हें बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर, लगभग कितनी है, 111 किलोमीटर है दो अक्षांश रेखा के मध्य की जो दूरी हो गई। इसके बाद के एक और पॉइंट है जो आपके परीक्षा के उपयोगी, जो परीक्षा में बार बार पूछी जा सकती है, वो ये है कि ये जो अक्षांश रेखा है, जो जो 0 डिग्री से बढ़कर हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, इनके बीच की दूरी आपस में कम होती जाती है। इनके बीच की दूरी बराबर रहती है लेकिन इनकी लंबाई कम होती जाती है। देख रहे हैं यहाँ पे हैं, इसके ऊपर गए और छोटी, इसके ऊपर गए और छोटी, इसके ऊपर गए और छोटी, इस तरह से ये ध्रुवों पर जब पहुँचती हैं, माने 90 डिग्री जो अक्षांश रेखा होता है वह एकमात्र बिंदु के रूप में होता है। कैसा होता है? एक बिंदु के रूप में होता है। कैसा होता है? एक बिंदु के रूप में होता है। इसलिए अगर पूछा जाए कि दो अक्षांश रेखा को बीच की दूरी के आधार पर कुल अक्षांश रेखा कितनी है, तो भैया ऊपर 90, नीचे 90, लेकिन यहाँ पे जो बिंदु है इसको घटा देंगे, और जो ये बीच वाली देख रहे हैं 0 डिग्री, यह भी तो अक्षांश रेखा है, प्लस एक ऐड कर देंगे। इस प्रकार कुल 179 अक्षांश रेखा है। कितने पर? 1 डिग्री अंतराल पर 179 रेखा ग्लोब पर है। वैसे पूरे ग्लोब पर देखा जाए तो कहेंगे सर 90 तो उत्तरी गोलार्ध में है, 90 दक्षिणी गोलार्ध में है, और एक तो जो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा है यह भी तो अक्षांश रेखा है, तो प्लस क्या कर देंगे, एक कह देंगे सर ये तो 181 है, ठीक है। इस प्रकार, लेकिन अगर आपकी परीक्षा में आता है NCERT में 180 है, इसलिए आपको 180 ही लगाना है, बाकी आप जानते रहिएगा। और ये दोनों गोलार्धों में देख रहे हैं, दोनों गोलार्धों में ज्यों ज्यों भूमध्य रेखा से दूर बढ़ेंगे, इनकी दूरी क्या हो रही है, लगातार छोटी होती जा रही है। बीच की दूरी बराबर है लेकिन इनकी जो लेंथ, लंबाई है, वो छोटी होती जा रही है। जैसा हम लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि किसी भी जो वृत्त होता है, वृत्त की जो जीवा होती है, वृत्त की जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। जो जो हम केंद्र से दूर उठते जाते हैं तो जीवा की लंबाई छोटी होती जाती है। सेम रूल यहाँ पर भी लगेगा, उसका नियम यहाँ पर भी सेम फॉलो होगा। दूसरी बात, कुछ रेखाओं के यहाँ पे जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अध्ययन के दृष्टिकोण से कुछ रेखाओं के नामकरण किए गए हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। जैसे अध्ययन के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे अक्षांश रेखाएं हैं जिनका नामकरण किया गया है, उनको हमें और आपको जानना ज़्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पे हमने खींच दिया, ये देखिए आपका हो गया 0 डिग्री, इसका नाम क्या हो गया, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि जो रेखाएं खींची गई पूरे ग्लोब पर गोलाकार है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश रेखा को एक वृत्त कहते हैं। अगर पूछ दिया कि हमारे पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांशी वृत्त हैं, तो भैया 180, मैंने आपको बताया ना 180 आपको टिक करना है, 179 181 नहीं। तो यहाँ पर 23.5 डिग्री पर खींचा गया है, कितने पर, 23 सही 1/2 डिग्री, कहाँ पर, ये नॉर्थ है,
ये जानते रहिएगा। फिर यहाँ पे खींचा गया है 23 सही 1/2 डिग्री ये साउथ, तो यहाँ पे इसका नाम है कर्क रेखा, इसे कर्क वृत्त भी कहते हैं। ये हो गया भूमध्य रेखा और ये नीचे वाला जो है इसे कहते हैं मकर रेखा। इसको याद करने का तरीका कैसे है, कभी कभी मेरे मन में एक ख्याल आता है, आपने गाना सुना होगा, क से कर्क रेखा, भ से भूमध्य रेखा, म से मकर रेखा। ऊपर देखिए यहाँ पे ध्रुव है, मतलब इसे नॉर्थ पोल कहते हैं। यहाँ पे देखिए साउथ पोल है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो इसके बारे में अभी आगे हम लोगों ने को कई चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया, वो हम लोगों ने जान लिया। और देखिए जैसे यहाँ पे अगर सूर्य चमक रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे मैं मान लूँ यहाँ पे सूर्य बना दिया, मैं एक मिनट रुकेगा, मैं यहाँ पे सूर्य बना दिया। अब सूर्य पे ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, जैसे मान लीजिएगा इतना हिस्सा सूर्य के सामने चमक रहा है, ये हो गया हमारा, एक मिनट रुकेगा तो मैं अच्छे सन बना दूँ, ये हो गया आपका, ये हो गया हमारा सन, एक मिनट रुकिएगा आप लोग तो अच्छे से बना दूं, जब बना ही रहा हूं तुम, जैसे हमारा हो गया ये सन, यहाँ पे सूर्य चमक रहा है, तो मान लीजिए ये आधे हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इतने हिस्से पे, क्योंकि पृथ्वी 3.5 डिग्री झुकी है, तो इतने बच्चे पर, इतने पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, लेकिन एक चक्कर पूरा करेगी तो जो अक्षांश रेखा सूर्य के जहाँ सामने, जैसे अगर मान लीजिए ये अक्षांश रेखा सूर्य के सामने है यहाँ पे, तो जब इस स्थान पर यहाँ पे अगर ये सूर्य के सामने है सीधा पड़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे गर्मी ज़्यादा होगी, यहाँ पे ठंडी। जैसे यहाँ पे माना कि इस स्थान पर सूर्य किरणें सीधी पड़ रही हैं इस स्थान पर, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, नीचे वाले पे कम होगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक बात स्पष्ट समझिएगा कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा, यहाँ पे गर्मी कम होगी, क्योंकि एक ही तरफ होगी। तो उससे एक बात और आपको स्पष्ट करना है, ये बात आपको जानना होगा कि इस अक्षांश रेखा पर पूरे दिन एक ही तापमान रहेगा और इस अक्षांश रेखा एक ही, इसलिए जो अक्षांश रेखा है वो ताप कटिबंध बताती हैं, उन्हें हम ताप कटिबंध के नाम से भी जानते हैं। कैसे, क्योंकि एक बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जो भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, सूर्य किरणें धीरे धीरे तिरछी होती जाती हैं। क्या होती हैं, सूर्य किरणें क्या होती है, धीरे धीरे तिरछी होती जाती हैं। कैसी होती जाती हैं, तिरछी होती जाती हैं। और जब सूर्य किरणें तिरछी हो जाएंगी तो क्या होगा, उनका प्रकाश सीधा नहीं पड़ेगा। अगर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ेगा, इसका मतलब साफ है, क्या इसका मतलब पूरी तरह से साफ और स्पष्ट है कि ध्रुवों पर ठंडक होती है और भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा गर्मी। इसलिए जैव विविधता सबसे ज़्यादा इस भूमध्य रेखा पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो जो भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं जैव विविधता कम होती जाती है, और ज्यों ज्यों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं जैव विविधता कम होती जाती है। लेकिन इसका विपरीत भी जानते रहेगा, वो भी सदैव सत्य है। कैसे कि ज्यों ज्यों हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं, ज्यों ज्यों ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं त्यों त्यों क्या होता है, जैव विविधता बढ़ता जाता है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे जैव विविधता बढ़ेगी, लेकिन अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता घटेगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे, और सबसे कम ध्रुवों पर पाई जाती है। यह बात आप लोग जानते रहिएगा। इस प्रकार हम लोगों ने अक्षांश रेखा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लिया, महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लिया। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी सदैव पूरे ग्लोब पर आपस में बराबर रहती है, वृत्ताकार होती है, ध्रुवों किस पे सबसे छोटी होती है, 0 डिग्री होती है, ठीक, मतलब उसके जो बिंदु के रूप में होती है, जबकि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा ध्रुव भूमध्य रेखा पर होती है। देखिए भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, जो जो ध्रुव की तरफ पड़ रही है इनकी लंबाई बढ़ती जा रही है और ध्रुवों पर जाने के बाद एक बिंदु के रूप में हो जाती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि अब हम लोग थोड़ा सा और तथ्य को पढ़ लेते हैं जो परीक्षा में आपके और पूछे जाते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बिना हिचक के। जैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक हम लोग का छूट गया था, आइए उनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक टॉपिक हम लोग को जो पढ़ना था जो छूट गया, आइए उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे देखिए 66.5 अंश का हमने पढ़ लिया 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत वृत्त भी कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं, लेकिन 66.5 डिग्री साउथ को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा, क्या अटलांटिक, बताइए फटाफट कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करें बताएं। 66.5 डिग्री नॉर्थ है, ये इसे आर्कटिक रेखा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त कहते हैं, इसे अंटार्कटिक वृत्त,
ठीक है, अटलांटिक ब्रिज इसे ऊपर वाले को आर्कटिक कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, नीचे वाले को अंटार्कटिका वृत्त के नाम से जाना जाता है क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप नीचे है, यहाँ पे ध्रुव है, तो ये भी जानते रहेगा 66.5 पर। अब इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो ये यहाँ के बीच का जो क्षेत्र होता है 0 डिग्री से 23.5 ऊपर, इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और जो 66.5 वाला है, देखिए 23.5 से 66.5 इसे क्या कहते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय छोर, उत्तरी और दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहता है, उसके ऊपर शीतकटिबंधीय क्षेत्र कही जाती है ये, और ये ऊपर जो है ये ध्रुव है, यहाँ भी ध्रुव है। इस प्रकार हम लोगों ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लिया, इन महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लिया जो परीक्षा में आपके कई बार ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, और ये पूरी तरह से एनसीईआरटी के आधार पर था और हमने थोड़ा सा आपको बढ़ाकर बता दिया, एनसीईआरटी के अलावा भी, एनसीईआरटी के इतर भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई समस्या रह जाती है, आप इलेनी पे दुर्गेश पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार हम आपको बताएंगे जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। अभी हमें और आगे भी पढ़ना है, लेकिन एक बात आप जानते रहिएगा कि आपको अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर संबंधी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन डेली क्लास की नोटिफिकेशन और इसकी जो कुछ नोट्स आपकी होती है पीडीएफ में, उसे प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए। अगर जुड़े हैं तो ठीक है, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दुर्गेश सर सर्च करिएगा और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा बिना स्पेस के। और साथ ही साथ फेसबुक पेज अगर यूजर हैं, फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश, ये सब यूज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको सभी नोट्स वीडियो लेक्चर मिल जाएंगी, इसकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज हमारे YouTube पर पड़ी हुई है, उसे एक बार देख लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद जय भारत। वीडियो को हो सके तो सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी का भला हो जाए। वैसे पेट क्लास के लिए क्लासेस चल रही थी आपके लिए, लेकिन अगर हो सके तो वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये जो सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है, ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी पैटर्न पर, और हम आपको एनसीईआरटी पैटर्न ही फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न ही आपको पढ़ाना चाहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।